हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं खांडवी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। खांडवी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप बेसन। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप कर्ड। यहाँ हमने थोड़ा खट्टा वाला कर्ड लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम हैंड विस्कर का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम कर्ड को और बेसन को ये अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बेसन और कर्ड अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून शुगर। एक बार इसको अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 कप पानी। पानी यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पानी हमें पूरा ऐड नहीं करना है। अभी हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करते जाएंगे और पूरा 2 कप पानी हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ हमने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है। टोटल हमने यहाँ पे 2 कप वाटर का यूज़ किया है। यहाँ हमारा खांडवी के लिए जो है बैटर बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 पिंच हल्दी। हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी हमें इसको बॉईल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको हाई फ्लेम पे बॉईल करा था, अभी हमने फ्लेम को लो हीट पे कर दिया है। इसको इसी तरीके से हम कुक करेंगे। जैसे इसमें बॉईल आएगा ये अच्छे से थिक हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी थिक हो गया है। इसको हमें कंटिन्यू स्टीर करते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, और फ्लेम हमें लो मीडियम हीट पर ही रखनी है। यहाँ इसे हमें टोटल टाइम 12 से 15 मिनट कुक करना है लो मीडियम हीट पर। अभी हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी अच्छे से पकी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर जो है बनना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसको फैला लेंगे। यहाँ हम स्लैब के ऊपर इसको बना रहे हैं। आप चाहें तो आप किसी प्लेट को ग्रीस करके ऑयल से उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने अपना सारा बैटर स्लैब के ऊपर इस तरीके से डाल लिया है। अभी हमने स्क्रैपर का यूज़ किया है, इससे हम अपना बैटर जो है इस तरीके से स्प्रेड करके फैला लेंगे। इसकी हमें बिल्कुल पतली लेयर बनानी है। इसको बहुत जल्दी बनाना पड़ता है कुक होने के बाद, नहीं तो ये बहुत थिक हो जाती है और स्प्रेड करने में दिक्कत होती है। तो जैसे ही हमारा बैटर अच्छे से कुक हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारी जो खांडवी की लेयर है वो बहुत ही पतली बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हम इसको इस तरीके से फैला देंगे। ये हमने अपना सारा बैटर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा बैटर तो इसको स्प्रेड करने में दिक्कत होगी। यहाँ हम इसमें स्टफिंग के लिए कच्चा नारियल का यूज़ कर रहे हैं, रो कोकोनट। इसको हम ग्रेट करके लेंगे। यहाँ हम इसमें 1/2 कप कोकोनट लेंगे ग्रेट किया हुआ। यहाँ हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं।
आज क्लास में हम खांड भी बना रहे हैं। अभी हम इसके लिए तड़का बना रहे हैं, तो यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे राई, मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून लेने हैं। तो अभी हमने इसमें मस्टर्ड सीड ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 ग्रीन चिल्ली बारीक चॉप। यहाँ हमारा ये स्प्रेड किया हुआ बैटर अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। इसको हमें स्मॉल स्मॉल साइज़ में इस तरीके से कट करना है, 1 से 1.5 इंच के साइज़ में। यहाँ हमने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसके हमने ऊपर हमने अपना कोकोनट स्प्रेड कर लिया है, साथ में हमने कोरिएंडर भी स्प्रेड कर लिया है बारीक कटा हुआ। अभी हम इसकी लेयर्स जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो हमारी खांड भी अच्छे से बन रही है, अच्छे से इसके रोल बन रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी पतली लेयर बनी है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी खांड भी जो है रोल उसके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम अपना तड़का जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जो हमने तड़का बनाया था वो हम खांडवी के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। घर में बनाई गई खांडवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से हम नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें और आप ट्राई करते रहें। अभी आपने देखा खांडवी बनाना कितना इजी है, बहुत ही इजीली जो है खांडवी बनके तैयार हो जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।